नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश। स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। हम बात करेंगे इस वीडियो में कूलर्स के बारे में। एक्चुअल में होता क्या है, मार्केट में हम कूलर खरीदने जाते हैं, जैसे गर्मियां शुरू होती हैं, गर्मी हमें सताती हैं और जरूरत पड़ती है ऐसे सिस्टम की जो हमारे कमरे को कर दे ठंडा, हवा को कर दे ठंडा। फिर होता क्या है, हम जाते हैं मार्केट, वहां दुकानदार से पूछते हैं भैया कोई कूलर बताना, तो वो पूछता है कमरे की साइज क्या है, तो आप उसको साइज का एक अंदाजा बताते हैं, एग्जैक्ट याद है तो आप बता देते हैं। फिर उसके पास जो भी अवेलेबल होता है प्रोडक्ट, वो आपको उसके बारे में बताता है और ये जचाने की कोशिश करता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एक्चुअल में ये इसलिए होता है क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि आपके लिए कौन सा कूलर बेस्ट रहेगा, आपके लिए कौन सा कूलर अच्छा रहेगा जो आपको ठंडी हवा दे पाएगा। ठीक है, तो अब यहां हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सा कूलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये बात आप समझ लें क्योंकि इसको समझे बिना अगर आप कूलर लेने बाजार जाएंगे तो दुकानदार अपनी मर्जी से आपको अपनी पसंद का कूलर चिपका देगा, ना कि आप अपनी पसंद का ले पाएंगे। तो यहां सबसे पहले हम इनका वर्गीकरण देख लेते हैं कि कूलर कितने प्रकार के होते हैं और इनमें फर्क क्या होता है, फिर आप अच्छे से तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कूलर लेना है। तो सबसे पहले ये जान लें कि कूलर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन चार मोस्ट टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला होता है, सबसे पहला डेजर्ट कूलर, ठीक है ना। दूसरा होता है पर्सनल कूलर, तीसरा होता है टावर कूलर और चौथा होता है रूम कूलर। अब आपने देखा होगा बाजार में हर कूलर को रूम कूलर बता दिया जाता है, हर कूलर को डेजर्ट कूलर बता दिया जाता है, जबकि कैटेगरी अलग अलग होती हैं क्योंकि इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं और इनका हवा देने का तरीका अलग अलग होता है और ये आपको उपयोग भी अलग अलग तरीके से आते हैं। आप दुकान के लिए कूलर खरीद रहे हैं तो वो अलग होगा, छोटे कमरे के लिए खरीद रहे हैं तो इनमें से ही एक टाइप होगी, अगर बड़े कमरे के लिए छत के लिए खरीद रहे हैं तो वहां एक अलग टाइप का कूलर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेजर्ट कूलर की। बाजार में कहीं भी चले जाओ दुकान पे, आपको डेजर्ट कूलर के नाम से कूलर जरूर दिखाएगा, ठीक है ना। डेजर्ट कूलर क्या होता है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए, डेजर्ट कूलर अपने आप में एक ऐसा कूलर होता है जो डेजर्ट जैसी कंडीशंस में हवा को ठंडा करने का काम करता है। इसमें मोटर काफी पावरफुल होती है और इसकी जो हवा की फेंक है वो काफी दूर तक जाती है ताकि वो पूरे एटमोस्फेयर को ठंडा कर दे। इसको कहते हैं हम डेजर्ट कूलर। अब आजकल हनीकॉम्ब में भी आ रहे हैं ये और पैड वाले भी आ रहे हैं। तो देखो, एक चीज समझ लो, अगर आप रेगिस्तानी इलाके में रह रहे हैं या आपके इलाके का पानी बहुत ही ज्यादा खारा है जिसमें साल्ट है, या फिर आपके इलाके के पानी में है फ्लोराइड, तो आपको हनीकॉम्ब वाले कूलर जो है काफी महंगे साबित होंगे। कारण क्या है कि हनीकॉम्ब अपने आप में एक महंगा प्रोडक्ट है जो कि कूलर में लगता है, तो वो एक बार खराब एक ही सीजन में हो जाएगा। दावा दिया जाता है कि हनीकॉम्ब खराब नहीं होता, ये सब बकवास है। हनीकॉम्ब भी बड़ी आसानी से खराब हो जाता है, खास करके उन इलाकों में जहां पानी बहुत ज्यादा खारा है, यानी साल्टी है, जहां पानी में खार आता है, सफेद रंग का जम जाता होगा, आपने देखा होगा। दूसरा, जहां फ्लोराइड है तो वहां भी जम जाता है। तीसरा, जहां पानी में डस्ट ज्यादा होती है वहां भी प्रॉब्लम करता है। तो अगर ये तीनों एरिया नहीं है आपका, तो आपके लिए जो है हनीकॉम्ब वाला डेजर्ट कूलर ठीक है, ठीक है। वरना तो आपको बार बार पैड बदलना पड़ेगा, जो कि सस्ता होता है, तो ऐसे एरियाज में आपको पैड वाला कूलर ही सही रहेगा, हवा भी ठंडी देता है। अब बात करते हैं इसका जो टैंक होता है वो 55 से 60 लीटर टैंक तक का होता है। तो यहां आप ये देख लें कि आपका एरिया कितना बड़ा है तो आप डेजर्ट कूलर लगाएं, ठीक है ना। यानी कि बड़े कमरे के लिए डेजर्ट कूलर, अगर आपको छत पे लगाना है कहीं ऐसी जगह जहां 10-5 आदमी 20 आदमी सो रहे हो एक साथ, तो लंबी दूरी तक एरिया को पूरे ठंडा करता है, तो वहां भी डेजर्ट कूलर काफी काम का साबित हो सकता है, ठीक है ना। यानी खुली और बड़ी जगह में अगर आपको लगाना है तो आप डेजर्ट कूलर उपयोग कर सकते हैं। वो भी आप ये देख लें, अगर पानी खारा नहीं है, पानी फ्लोराइड वाला नहीं है, तो आप हनीकॉम्ब वाला लगाएं। अगर पानी खारा है, फ्लोराइड वाला है, तो आप पैड वाला कूलर ही लगाएं, ताकि आपको बार बार पैड चेंज करने में खर्चा नहीं हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है पर्सनल कूलर की। देखो, पर्सनल कूलर क्या होता है, आपने देखा होगा लंबे से साइज का कूलर या छोटे साइज का कूलर, उसको कहते हैं पर्सनल कूलर। उसको एक टेबल पर आप रख लो और उसके जस्ट आसपास आप रहोगे ना, छोटा सा कमरा है तो वो आपको हवा देगा, यानी वहीं तक के लिए ठीक है। डेजर्ट कूलर की बात थी तो वो ड्राई कंडीशंस में यूज आता है, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी काम आता है। ड्राई कंडीशंस के लिए जो यूज आता है वही डेजर्ट कूलर होता है। पर्सनल कूलर है ये, आपको
सेमी ड्राई कंडीशन, यानी कि अगर मान लीजिए कमरे में थोड़ी बहुत उमस है तो भी ये काम दे जाएगा बस। लेकिन ये फायदा इसका इतना सा है कि ये बहुत ही थोड़े से एरिया को ठंडा करता है, यानी कि अगर आप इसके सामने बैठे हैं यानी कि और 1-2 मीटर की दूरी पे हैं तो ये आपके लिए ठीक है। यानी छोटी सी दुकान या छोटा सा कमरा 6x6 की कोठरी या 8x8 का कमरा टाइप छोटा सा, उसके लिए ये कूलर थोड़ा बहुत काम का है, बाकी ज्यादा काम का पर्सनल कूलर नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ब्लोवर बेस होते हैं एक्चुअल में। डेजर्ट कूलर होते हैं उसमें फैन लगा होता है, यानी पंखा लगा होता है और काफी दूर तक फेंक करता है। कुछ लोग तो इसमें क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाला फैन और मोटर लगवा लेते हैं ताकि बहुत लंबी दूरी तक वह हवा को फेंक करे, बहुत दूर तक हवा फेंके। तो ये हुए आपके पर्सनल और डेजर्ट कूलर। अब बात करते हैं टावर कूलर की। आपने देखा होगा कूलर कई बार क्या होता है, बहुत लंबी आकृति का होता है और ऊपर उसमें छोटा सा जो है एक बॉक्स बना होता है जहां ब्लोवर लगा होता है, वहां से वो हवा फेंकता है। तो ये होता है टावर कूलर, यानी कि ऐसी जगह जहां आपको हवा लेनी है ऊंचाई से और आपके पास जगह भी कम है, स्पेस भी कम है, तो ये कूलर टावर कूलर होता है, टावर के जैसी आकृति का होता है, इस कारण इसको कहते हैं हम टावर कूलर। ये पोर्टेबल होता है, काफी छोटा होता है, आप इसको लाने ले जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको कहीं भी ले जाएं, कहीं भी उठा के धर लें, आपके लिए बड़ा ही सही रहेगा, बस जगह इसके लिए छोटी सी होती है। फिर होता है आपका एक और, वो होता है विंडो कूलर, यानी विंडो में सेट होने वाला। अब आप सोचेंगे विंडो में सभी सेट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन विंडो कूलर की खास बात क्या होती है, ये हल्का होता है और जिस तरह से एसी फिट करते हैं अपन विंडो में, उसी प्रकार विंडो एसी के तरीके के होता है और उसमें विंडो में बड़ी आसानी से फिट हो जाता है ये, ठीक है ना। और इसमें ऊपर काफी कम स्पेस होता है हवा को फेंकने के लिए, ये ब्लोवर बेस ही आता है, ऊपर ब्लोवर चलता है, वहां से ये हवा फेंकता रहता है आपके कमरे में, तो ये भी ज्यादा लंबी दूरी तक ठंडा नहीं कर पाता, ये आपको ध्यान रखना है। अब टैंक क्षमता अलग अलग होती है, कितने बड़े कमरे के लिए कितनी टैंक साइज का, यानी कितने लीटर पानी वाला कूलर आपके लिए सफिशियंट होगा, ये थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। मान लीजिए आपका कमरा 15 मीटर जितना लंबा है, तो आपके लिए 15 लीटर टैंक वाला छोटा कूलर जो है वो भी ठीक रहेगा, यानी कि 15 मीटर दूरी तक हवा फेंक सकता है, ये ध्यान रखना है, वो भी काफी टाइम लेगा, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर 28 मीटर का है तो आप 25 मीटर लंबा कमरा ले सकते हैं, ये ड्राई कंडीशंस के लिए है, जहां उमस है उसके लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। ड्राई कंडीशन में क्या होता है, कमरे की हवा ठंडी हो जाती है, फिर आप साथ साथ आपको फैन भी चलाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कूलर उस साइड में लगा हुआ है और आप बैठे हैं इस साइड में, तो जैसे आप वो फैन चलाएंगे तो वो ठंडी हवा को लेकर के आएगा और फैन जो है आपका वो उस हवा को पूरे कमरे में फैलाएगा। तो ये कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि आपको कूलर के साथ पंखा जरूर चलाना है ताकि पूरा कमरा ठंडा हो सके। अब आपका कमरा 50 मीटर ज्यादा लंबा है तो आपको 40 लीटर टैंक वाला बहुत है, और अगर 80 मीटर लंबा है तो आप 55 लीटर टैंक वाला कूलर ले लें। तो ये हवा का एरिया है, इतने एरिया में आपकी हवा जो है आ सकती है। अब कूलर के बारे में बार बार कहा जाता है, आपने देखा होगा काफी एड आते हैं जिसमें कहते हैं कि ये कूलर उमस में भी काम करेगा, मतलब इस कूलर को लगाने से आपके कमरे में चिपचिपाहट नहीं होगी, एटमॉस्फेयर जो है चिपचिपा नहीं होगा। ये चिपचिपाहट कब होती है, जब बारिश का सीजन आता है तब कूलर हो जाते हैं फेल, क्योंकि हवा में क्या होता है नमी आ जाती है। कूलर का बेसिकली सिस्टम क्या है, बाहर की ड्राई एयर को ये अंदर लेता है और हनीकॉम्ब या कूल जो पैड्स होते हैं उन पे पानी गिरता रहता है, उससे जो हवा, जब गर्म हवा बाहर से अंदर आ जाती है वहां वो हवा ठंडी हो जाती है और फैन उस ठंडी हवा को आपके कमरे में फेंक देता है, ये सिस्टम होता है कूलर का। अब जब बारिश का सीजन होता है तो होता क्या है कि जो बाहर की हवा है उसका टेम्परेचर भी गिर जाता है, यानी कि वो 30 से 35 या 40 के आसपास टेम्परेचर आ जाता है, तो ऐसे में हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होती है। अब कूलर क्या करता है, उस नमी वाली हवा को खींचता है, अंदर जो हवा आती है उसको ठंडी करता है, फिर आपके कमरे में फेंकता है। तो चूंकि हवा में पहले से ही नमी थी, अंदर आने के बाद इसमें और नमी हो गई, तो जब वो हवा आपके पास कूलर की आएगी तो वो चिपचिपाहट भरी होगी। काफी कंपनियां ये दावा करती हैं कि ये कूलर जो है चिपचिपाहट भरी हवा नहीं देता, तो ऐसा कोई भी कूलर नहीं है जो आपको चिपचिपाहट से मुक्ति दिला सके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर चिपचिपाहट से मुक्ति लेनी है आपको तो आपको एसी ही लगाना पड़ेगा, ये बात कन्फर्म है। कोई भी कंपनी ऐसा दावा कर सकती है लेकिन ये दावा सच नहीं हो सकता, कोई भी कूलर ऐसा नहीं है। अब कूलर की ठंडी हवा लेने के लिए आपको करना क्या है, वो बात आप ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो कूलर आप कहीं भी लगाएं, आपके कमरे में वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी कि कूलर के पीछे की तरफ या साइड में दो खिड़कियां ऐसी हो जहां से ड्राई एयर आ रही है और कूलर उसको सक करके आपको अंदर जो है थ्रो कर रहा है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब हवा आपके कमरे में आ रही है तो साइड से या पीछे से कहीं से भी हवा के निकलने की जगह होनी चाहिए। हवा लगती कब है हमें, ये थोड़ा सा थ्योरी समझ ले, जब हवा के फ्लो के बीच हम होंगे तो हमें हवा लगेगी, अगर हवा का फ्लो बंद हो जाता है
तो होता क्या है, हमारे चारों तरफ हवा भर जाती है और हमें हवा का एहसास होना बंद हो जाता है, ये बात ध्यान रखें। तो अब चूंकि हवा हमसे होकर छू करके गुजर रही है तो हमें हवा लगेगी, अगर हवा गुजर नहीं रही है या बहुत धीरे गुजर रही है तो हमें हवा नहीं लगेगी। इसीलिए कूलर वहीं कामयाब होते हैं जहां एक अच्छा सा वेंटिलेशन होता है। तो कमरा अगर आपका फुल्ली वेंटिलेटेड है तो ही कूलर आपके लिए काम का होगा, वरना काम का नहीं होगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी काम का साबित होगा और बड़ी आसानी से अब आप ये तय कर पाएंगे कि आपको विंडो कूलर लेना है, टावर कूलर लेना है, पर्सनल कूलर लेना है या फिर लेना है आपको डेजर्ट कूलर। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और उन्हें भी आसानी हो जाए अपने लिए एक नया कूलर चयन करने में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।